25 जून 1983। जी हाँ, ये वही तारीख है जब भारत ने विदेशी जमीन पर पहली बार विश्व कप को अपने नाम किया था। इस मैच में भारत ने कई सालों से विश्व क्रिकेट पर राज करने वाली टीम वेस्टइंडीज को हराकर ये कारनामा कर दिखाया था। टीम इंडिया की ये जीत आज भी क्रिकेट फैंस और देशवासियों को याद आती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मैच को जीतने वाले प्लेयर्स कौन थे और वो आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लिस्ट में पहले नंबर पर हैं भारत को पहली बार विश्व कप जिताने वाले टीम के कप्तान कपिल देव, जिन्होंने फाइनल मैच में महज 15 रन ही बनाए थे, लेकिन नॉकआउट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने नाबाद 175 रनों की शानदार पारी खेली थी। आज कपिल देव को आमतौर पर टीवी चैनल्स पर एक्सपर्ट के तौर पर देखा जाता है। दूसरे नंबर पर हैं सुनील गावस्कर। अपने बयानों को लेकर अक्सर लाइमलाइट में रहने वाले मौजूदा कमेंटेटर सुनील गावस्कर अक्सर हमें मैच में कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। लिस्ट में तीसरा नाम है वर्ल्ड कप 1983 में भारतीय टीम का हिस्सा रहे रवि शास्त्री का। शास्त्री 2021 तक भारतीय टीम के हेड कोच रहे और आजकल टीवी में कमेंट्री करते नजर आते हैं। चौथे नंबर पर हैं वर्ल्ड कप फाइनल के भारतीय ओपनर कृष्णामाचारी श्रीकांत। इन्होंने फाइनल मैच में 57 बॉल में 38 रनों की पारी खेली। आज उन्हें बयान देते हुए और एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता है, हालांकि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। वर्ल्ड कप की जब भी बात आती है तो बलविंदर संधु को भी काफी याद किया जाता है। बता दें, बलविंदर ने वर्ल्ड कप फाइनल में 9 ओवर में 32 रन देकर 2 सफलता हासिल की थी, लेकिन 1984 के बाद उन्होंने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। वे सोशल मीडिया से भी काफी दूर हैं। एक तरह से वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगला नाम है 1983 विश्व कप में भारत की तरफ से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मदन लाल का, जिन्होंने इस सीरीज में 8 मुकाबलों में 17 विकेट हासिल किए थे। साल 2009 से वे कांग्रेस का हिस्सा हैं और राजनीति से जुड़ गए हैं। इनके अलावा एक और नाम आता है रॉजर बिन्नी का, जिन्होंने 1983 के उस फाइनल मुकाबले में 10 ओवर में 23 रन देकर एक विकेट चटकाया था। वे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस वक्त BCCI के अध्यक्ष हैं। लिस्ट में आखिरी नाम है 1983 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के उप कप्तान मोहिंदर अमरनाथ का। इन्होंने फाइनल मैच में 7 ओवर में 12 रन देकर वेस्टइंडीज के 3 विकेट चटकाए थे। मोहिंदर को आजकल टीवी चैनलों पर एक्सपर्ट का रोल निभाते हुए देखा जा सकता है।